संजय राउत का बीजेपी पर हमला, हार के डर से मची अफरा तफरी, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश। देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी उद्धव ठाकरे सरकार, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र बीजेपी नेता ने की अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर करने की मांग। एक गाय के लिए दंगे होते हैं, लेकिन 52 गायों की मौत के बाद सामना से एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना संजय राउत का। लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून बने नहीं तो, विधायक राजा सिंह का विवादित बयान। मुंबई में होली मनाने को लेकर पुलिस ने जारी किए आदेश, न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में ट्रेनिंग, भारत में घुसा खतरनाक शख्स, मुंबई इंदौर पुलिस को एनआईए का अलर्ट। धारावी झुग्गी पुनर्विकास के लिए निविदा शर्तों को अडानी के पक्ष में नहीं बल्कि जनहित में संशोधित किया गया, महाराष्ट्र सरकार। विपक्ष ने की कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के समाधान की मांग, शिंदे भाजपा सरकार पर कही बात। मुंबई दौरे पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक दिग्गज उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। मुंबई में 1 मार्च से बेस्ट के स्मार्ट यात्रियों को मिलेगी पहले बैठने की जगह। मनसे नेता संदीप देशपांडे का सबसे बड़ा गुप्त धमाका, शिवसैनिकों ने राज ठाकरे को सुपारी दी। एसटी यात्रियों की संख्या कम हुई, खस्ताहाल एसटी बसों से लोगों ने मुंह फेरा। राज ठाकरे बोले, सामना को अब नहीं पड़ता, शिंदे की बगावत के बाद उद्धव के नियंत्रण में प्रकाशन। एनआईए ने मुंबई पुलिस को भेजा ईमेल, आतंकी सरफराज मेमन को लेकर किया अलर्ट। नवी मुंबई में लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ रैली, मुस्लिम समुदाय का आर्थिक बहिष्कार का ऐलान।